विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन एक सवाल है जो पूरे प्रदेश की जनता के मन में कौंध रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आखिर होगा कौन सीएम। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को सत्ता सौंपी है। अब बीजेपी के सामने भी लोगों की उम्मीदों का पहाड़ है। विपक्ष में रहते हुए गरीब, किसान, महिला और युवाओं के मुद्दे पर हमलावर बीजेपी को ना सिर्फ उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा, बल्कि लोगों को यह एहसास भी कराना होगा कि कांग्रेस के मॉडल से कहीं बेहतर बीजेपी डिलीवर करने वाली पार्टी है। राजस्थान में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। प्रदेश में राज बदल गया। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया और जल्द ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, प्रदेश के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा और किसका राज तिलक होगा, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश का चुनाव बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर लड़ा था और बीजेपी इसे अपनी जीत का एक फैक्टर भी मान रही है। और अब दिल्ली में इसको लेकर हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है, तो वहीं पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसको लेकर रणनीति बनाने में भी जुटे हैं। इन सबके बीच प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओम बिरला। ये पांच नाम अभी प्रदेश में सीएम पद के लिए सबसे अधिक चर्चा में है और क्यों है ये भी आपको बताते हैं। बात अर्जुन राम मेघवाल की करें तो तीन बार के सांसद हैं, बीजेपी के बड़े दलित नेता हैं, संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, पारंपरिक वेशभूषा से अलग पहचान, साइकिल से संसद भवन जाते हैं, पीएम के विश्वस्त नेताओं में से एक है। इसमें एक बड़ी बात और है कि बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ाया है, लेकिन वो सीएम पद की रेस में शामिल है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो राजस्थान में अच्छी पकड़ है। जोधपुर लोकसभा से सांसद हैं शेखावत, जल शक्ति मंत्री हैं। लेकिन शेखावत ने भी खुद चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है, क्योंकि करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था और वहां चुनाव नहीं हुआ है। बात अगर वसुंधरा राजे की करें तो दो बार प्रदेश की सीएम रही, प्रदेश की सबसे प्रिय नेता है, पांच बार विधायक रही है, पांच बार लोकसभा सांसद रही है, ग्वालियर राजघराने की बेटी है, धौलपुर राजघराने की बहू है। वसुंधरा ने प्रदेश के नेताओं में सबसे अधिक 35 रैलियां और दो बड़े रोड शो किए हैं, कई बागियों की समझाइश भी की है, लेकिन इस बार स्पेस जाहिर नहीं किया है। बात राज्यवर्धन सिंह राठौर की करें तो जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, कोटवाड़ा सीट से जीत हासिल की है, 50,000 से अधिक वोटों से जीते, 2013 में राजनीति में प्रवेश किया था, 23 साल तक सेना में सेवाएं दी। दो महारानियों के बीच में, एक महारानी और एक राजकुमारी के बीच में जंग है। हालांकि सिद्धि कुमारी भी जीती है, वो भी राजकुमारी है, और कल्पना राजे भी जीती है, वो भी राजकुमारी है, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जो आबो हवा है उसमें 2024 को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सेमीफाइनल है तो फाइनल के लिए कोई मजबूत टीम उतारी जाएगी, और उसमें अगर कोई दलित कार्ड खेला जाता है तो मदन दिलावर और अर्जुन राम मेघवाल या वर्तमान सीपी जोशी या ओम बिड़ला भी हो सकते हैं, और एक और भी जो कहते हैं कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो जिस तरीके से हमने गुजरात में देखा पहली बार के मुख्यमंत्री, तो नौक्षम चौधरी जो सबसे कम उम्र की है, 28 साल की है, वो भी राजस्थान में एक नया इतिहास लिख सकती है कि दलित वर्ग से भी है, हाईली एजुकेटेड भी है, और उन्होंने जाहिदा खान को, जो तैयब हुसैन की सियासी बागडोर को संभाल रही थी, उनको उनके घर में पटकनी दी है, दोनों बेटों को प्रधान बनाने के बावजूद उनके घर में चुनौती दी है। तो क्या पता
एक नया गुल खिल जाए कि पुष्कर सिंह धामी हार गए थे तो भी मुख्यमंत्री बना दिया था, तो क्या पता नोकशम चौधरी की भी लाटरी लग जाए, लेकिन दिया कुमारी मुझे लग रहा है सब पर भारी नजर आया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को मात दी है और सीएम की रेस में भी है। वहीं ओम बिरला कोटा दक्षिण से 3 बार विधायक रहे, 2 बार के सांसद रहे बिरला, अभी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। फिलहाल बीजेपी में अब सीएम फेस को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है और विधायक दल की बैठक जल्द होने वाली है। बीजेपी आलाकमान पर्यवेक्षक जयपुर भेजेंगे और विधायकों की राय पर सीएम का नाम तय होगा, जिसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करेगा, जिसका सबको इंतजार है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर बंधेगा, इसको लेकर बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंत्रणाओं का दौर जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री का नाम आम सहमति से ही तय होगा, लेकिन जिसका भी नाम तय होगा उसे साल 2024 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान फतेह करने की बड़ी गारंटी देनी होगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले दिन भी ध्यान रखना चाहिए कि 12 बजे तक संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि संसद के अंदर तमाम सांसद लोग वोटिंग लेकर चले आए थे, जो बिल्कुल ही संसद की कार्यवाही के विरुद्ध था। लेकिन आज भी दूसरे दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सांसद है महुआ मित्रा, जिनके निष्कासन संबंधी रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी, और जिसको लेकर ये भरोसा जताया जा रहा है या फिर अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज भी संसद की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ हंगामे के भेंट ही चढ़ती हुई नजर आएगी। महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर सोमवार को लोकसभा में जमकर भी हंगामा हुआ था, जो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसके अलावा 3 नए बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए, इंडियन पेनल कोड, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट। कांग्रेस इन तीनों बिल का सदन में विरोध कर सकती है। इन तीनों बिल पर बहस के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 15-15 घंटे अलॉट किए जाएंगे, और उसके बाद 15-15 घंटे जब अलॉट कर दिए जाएंगे, जिसमें डिस्कशंस इन तीनों मुद्दे पर होगा। कांग्रेस संसद में सीसी बिल का भी यानी कि इलेक्शन कमीशन बिल का भी विरोध कर सकती है, और इस पर बहस के लिए 6-6 घंटे दोनों सदनों में अलॉट किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये तमाम 4 ऐसे मुद्दे हैं, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जो आज लोकसभा जिन इन 4 मुद्दों पर फिर से हंगामे की भेंट चढ़ सकती है। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत में कई नेताओं की अहम भूमिका रही है, जिसमें सही रणनीति, कुशल नेतृत्व और टिकटों का वितरण भी सही तरीके से किया गया है। इन सब के पीछे बीजेपी के नए चाणक्य का हाथ था। आज हम उसकी चर्चा करेंगे और अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे इस चाणक्य ने चुनाव की पूरी बाजी ही पलट दी। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। राजस्थान को भगवा करने में कई नेताओं ने अपना पसीना बहाया है, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसने पर्दे के पीछे से पूरी रणनीति तैयार की और राजस्थान को बीजेपी की झोली में डाल दिया। वो कोई और नहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। ये जेपी नड्डा का ही करिश्मा था कि राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिला है। बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत ऐसी ही नहीं हुई है, इसके पीछे जेपी नड्डा ने मेगा प्लान बनाया था, क्योंकि राजस्थान में तो बीजेपी कई खेमों में बची हुई थी। गुटबाजी के भंवर में फंसी बीजेपी को एकजुट किया, साथ ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का अहम निर्णय भी लिया। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को सम्मानना और उस सम्मानने के साथ साथ हर छोटी बड़ी मीटिंग को बहुत व्यवस्थित रूप से लेना, और छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, एक मैसेज देना, और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो जाता है, मैं लगातार उनको सुनता हूँ, देखता हूँ, और मेरे को जब भी मैं उनका भाषण और उनका बौद्धिक सुनता हूँ, उद्बोधन सुनता हूँ, तो हर बार उसमें एक नई ऊर्जा होती है। एक बार माउंट आबू में उन्होंने एक वाक्य काम में लिया था
कि हवन में जो सामग्री है वो जब डलती है तो मैं समझता हूँ वो खुशबू आती है, और वो खुशबू के नाते उन्होंने पूरे राजस्थान को महकाया, और उसका परिणाम है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में यहाँ एक बहुत जोरदार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा पूर्ण बहुमत है, 115 हमारी सीटें पूर्ण बहुमत से जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं समझता हूँ ऐसे योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमको राजस्थान में एक जोरदार बढ़त मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर बूथ का अध्यक्ष तक हम सभी एक दूसरे को समान रूप से इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और अधिकार देते हैं, और यही एक वजह है कि जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह देते हैं वहीं सब लोग एकजुट हो जाते हैं, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी कह देते हैं वहाँ पर प्रदेश एकजुट हो जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी जीत का भी। जहाँ सभी लोगों ने, राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और राजस्थान को सत्ता से, राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। नड्डा जी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छे से मोटिवेट किया राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्फत, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में मिलकर, पूरे संगठन के साथ में मिलकर मोटिवेशन के, हमारी प्रक्रिया जो सतत प्रक्रिया वो चलती रहती है, और उसके अंदर एक ही बात है कि हमें हमारे जो भी अधिकारी हैं, जो भी संगठन के मुख्य पदाधिकारी, उनके बात को मानते हुए आगे काम करना है। जेपी नड्डा के काम करने का तरीका सबसे अलग भी है। जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी नेताओं पर ज्यादा भरोसा करने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को सकारात्मक सोच, कमल के फूल को चेहरा, मोदी सरकार के काम, बूथ मैनेजमेंट के जरिए जीत का मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अध्यक्ष का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वो अध्यक्ष हमारा बूथ का हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और जब से जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली है, पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं पूरे विश्व भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर बहुत मजबूत हुआ है। रही बात इस चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड पर रहती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से ये कोई एक दो महीने का चुनाव नहीं था, पिछले दो तीन सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगातार दौरे राजस्थान के अंदर हो रहे थे, और उनका सबसे बड़ा जो जोर था वो उनका जोर था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक रहे और बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की मजबूत हो जाए जिससे हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत के आए। यही नहीं, चुनावों में लिए गए अहम निर्णयों में भी जेपी नड्डा का महत्वपूर्ण रोल रहा। पार्टी ने चुनावों के दौरान सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का अहम निर्णय हो या फिर सर्वे के आधार पर टिकट वितरण का फैसला, जनता को बीजेपी के प्रति कन्विंस करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान 5 दिन में 10 सभाएं कर 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए 2 रोड शो के साथ संगठनात्मक बैठकों पर फोकस किया। नड्डा ने महुआ, सिकराय, पिपाड़, ओसिया, जैसलमेर, जोधपुर शहर, सरदारपुरा, सुरसागर, रासमंद, धोद, फतेहपुर, दांतारामगढ़ और दौसा में भी सभा की। इनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। अब राजनीतिक विश्लेषक भी जेपी नड्डा की रणनीति के मुरीद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा चुनाव मैनेजमेंट के बहुत माहिर व्यक्तियों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी के अगर टॉप के नेताओं में बात करें तो जेपी नड्डा साहब का इलेक्शन मैनेजमेंट अपने आप में एक अनूठा और अनोखा और बहुत प्रभावशाली है। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में जिस तरह की विजय भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा चुनावों में प्राप्त की है, उसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ी रणनीति जेपी नड्डा साहब की रही है। जेपी नड्डा साहब बूथ मैनेजमेंट के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। पार्टी के लिए माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर जेपी नड्डा साहब की मेहनत का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़ी विजय राजस्थान के अंदर प्राप्त की है। किसी दल का मुखिया कैसे पार्टी को अपना परिवार मानकर आगे बढ़ाता है, इसका बेहतरीन उदाहरण जेपी नड्डा ने दिया है। 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने जेपी नड्डा की नेतृत्व क्षमता को साबित किया है, एक दूरदर्शी नेता। और अब बुलेटिन में वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का। बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर जयपुर से दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है। सीपी जोशी और अरुण सिंह ने शाह और नड्डा से मुलाकात की है। सीएम की रेस में शेखावत, वसुंधरा राजे, राजवर्धन सिंह राठौर, ओम बिरला और बाबा बालकनाथ हैं।
वसुंधरा राजे की डिनर डिप्लोमेसी, 24 से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे से मिलने उनकी आवाज पहुंचे, करीब 70 विधायकों को कॉल करके बुलाया गया था। हार के कारणों की समीक्षा करेगी प्रदेश कांग्रेस, आज सुबह 11 बजे होगी विधायक दल की बैठक, पार्टी विधायकों से लेगी चुनाव नतीजों का फीडबैक।